जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था, लेकिन अब कश्मीर के लोगों को भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी से बातचीत की स्वराज संवाददाता ने। अनुच्छेद 370 को लेकर देश में एक तरफ जमकर तारीफ हो रही है तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर सरकार की क्या मंशा है उसको लेकर जो अमेंडमेंट किया गया, ये फैसला ली गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, इस फैसले के पीछे मंशा क्या है, उद्देश्य क्या था जिस पर विपक्ष सवाल उठा रही है? देश में, दुनिया में एक उत्साह का वातावरण है कि मोदी जी इतना बड़ा फैसला लेंगे, ये किसी को विश्वास नहीं था। और मोदी जी और अमित शाह जी ने फैसला करके दिखाया। 370 हमने समाप्त किया 370 वोट के साथ में। और अगर कांग्रेस के लोग अगर परेशान हैं तो भाई मेरा सुझाव है देश के साथ खड़े रहो। और भूपेश बघेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है विरोध में, नहीं देना चाहिए। छत्तीसगढ़ को आपने खटघरे में खड़ा कर दिया, यहाँ की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ जनता का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इतने बड़े फैसले में बयान देने का हक नहीं है आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ जूझ रहा है नक्सलवाद से। वो आतंकवाद को समाप्त करने वाला फैसला था, तो क्या छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त नहीं होना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है उनसे, सवाल है ये कि इसका जवाब दे कि क्या छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करने के लिए उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक अभूतपूर्व फैसला, आज हम लोग बचपन से नारा लगा रहे हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है सारे का सारा है, वो रियासत छूट गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से, वो पूरा हुई है। तो ये देश का मुद्दा है। आज वहां पे संसद में कांग्रेस भी कहां जाए, किधर करें, क्या करें, बाइकाट करें, वोट दे नहीं दे, बढ़ गई कांग्रेस तब तो 370 वोट मिले हैं। तो आज ये सोचने की बात है कि देश के मामले में कहीं ना कहीं जाके हमको एक होना चाहिए भाई। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि राज्य की जो समस्या है केंद्र में रखते हैं, आप उस वक्त सदन में मौजूद थे जब ये वोटिंग हो रही थी, तो क्या माहौल था वहाँ संसद में? एक अभूतपूर्व माहौल था। जब मोदी जी प्रवेश किए तो भारत माता की जय से सदन गूंज गया था। ऐसा लगा कि एक भारत माता का एक सच्चा सपूत प्रवेश कर रहा है और वो इस देश के अंदर में जो प्रशिक्षित जो धारा है, जो संविधान है, उसको समाप्त करने जा रहे हैं, एक देश का सपना पूरा करने जा रहे हैं और नया भारत गढ़ने के लिए ये उनके कदम वहां पे सदन के अंदर में पड़े हैं। भाव विभोर सारे लोग उसके अंदर, और हमारे जैसे लोग तो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि सांसद बनेंगे और ऐसे क्षण के अंदर में बनेंगे। कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया ये सदन जो है उस दौरान का, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ है आप बता पाएंगे? पूरा देश देख रहा है, 36 विधेयक पास हुए, NIA मजबूत हुआ है, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ है, 370 जो अभूतपूर्व फैसला हुआ है, पूरे देश के अंदर में खुशी है। हम लोग निश्चित तौर पर खुश हैं कि हम भागीदार थे और इसके लिए हम ऋणी हैं रायपुर लोकसभा की जनता के, जिन्होंने हमको वहां तक पहुंचाया, अपने कार्यकर्ताओं के ऋणी हैं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके पसीना बहा के हम लोग के लिए मेहनत की है। तो अभी आपने सुना सांसद सुनील सोनी जी का, जिनका साफ कहना है कि ये जो फैसला है देश के विकास के लिए है, ना कि बीजेपी के हित के लिए। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।